जो भी बच्चे ट्वेल्थ कर रहे हैं और ट्वेल्थ के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो स्कूल भी जा रहे हैं और स्कूल के साथ साथ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। वो अपना जो है नीट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प में कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम वंदना अक्कर, ये साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। सो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी बच्चे ट्वेल्थ कर रहे हैं और ट्वेल्थ के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो स्कूल भी जा रहे हैं और स्कूल के साथ साथ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। वो अपना जो है नीट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपका 7 मंथ्स, आप सभी को पता है कि नीट का एग्ज़ाम होने में केवल और केवल 7 महीने रह गए हैं, जिसमें आप अब जो है बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अब क्या प्रेशर में आ चुके हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। स्कूल का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, साथ के साथ कोचिंग में जो सिलेबस चल रहा है उसे पे भी फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी प्रायोरिटी बना के चलना है कि हमें कौन से सिलेबस पर फोकस करना है। ठीक है, आप स्कूल का सिलेबस फोकस करना चाहते हो, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उस सिलेबस को फोकस करना चाहते हो, तो किसी एक पे आप फोकस करो ताकि आप जो है इजीली नीट का जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्लियर कर सको। नेक्स्ट है हमारा टारगेट मिनिमम। जो भी आप ट्वेल्थ, अब आप जो है नीट और ट्वेल्थ एक साथ देने वाले हैं, मई में आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और फेब मार्च में जो है आपका ट्वेल्थ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सिचुएशन में आप दोनों साइड से अगर आप सोचोगे कि ट्वेल्थ में मेरे 80-90% भी आ जाए और उसके साथ साथ मैं नीट भी क्लियर कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको जो है एक टारगेट बना के चलना है कि नीट में जो ट्वेल्थ में जो हम मार्क्स है वो जो है 60-70 तक आ जाए और उसके साथ जो है हम नीट क्रैक कर लें, ये आपको टारगेट बना के चलना है अपना। लास्ट हमारा, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, उन सभी सिलेबस को जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करने के बाद उनके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप डेली प्रैक्टिस करें, डेली उनका रिवीजन करें, ताकि जो है आप नीट की प्रिपरेशन जो है नीट का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट में दे सकते हैं और वो क्लियर होगा आपका एग्ज़ाम, अगर आप इन सब चीज़ों को फोकस करते हैं तो। थैंक यू।